और फिर लाश को अंदर की ओर फेंक दिया, जहां वे लाश बाद में बरामद हुई। और फिर वैसे ही उन्हीं सफेद लकीरों पर पंजों के सहारे वापस भी लौट गया। इस तरह कातिल के पैरों के निशान मिलने का सवाल ही पैदा नहीं। ये है नई कहानी का एंड लिख रहा हूं। यू नो, जहां पे चीजें जुड़ती हैं पर्दाफाश होता है। आपकी कहानियों पर कुछ फिल्म्स वगैरह भी बनी हैं? नो, भगवान बचाए उसे। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कुंवर साहब। वो तेज रफ्तार, सब कुछ तेज, धूम धड़ाम, ये तो हकीकत है, इसमें कल्पना कहाँ है। मैं लिखता हूँ सिलेक्टेड लोगों के बारे में, सिलेक्टेड लोगों के लिए। यू मीन एक्सक्लूसिव? अलग हटकर, विशेष। आप तो खानदानी आदमी है, ये जाति फिक्र कसना आपको शोभा नहीं देता। माफ कीजिए, आपने शीला के बारे में बोला तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा था, अगर आपको बुरा ना लगे तो। एक ही बात, एक ही बात, बिल्कुल। अंत में सब एक ही बात हो जाती है, और इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ एक साल के बाद आप अपनी किस्मत को कोस रहे होंगे। और मैं ये जानते हुए कि शीला के तीव्र दिमाग, घमंडी, चापलूसी पसंद और खर्चीली औरत है, मैं उसकी तारीफों में कसीदे लिखता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कुंवर, आप किस दिशा में जा रहे हैं। ज्वेलरी, मैं चाहता हूं कि तुम वो ज्वेलरी चुरा लो जी, आज रात। आज से बेहतर और कौन सी रात हो सकती है? शीला घर पे है नहीं, सुनहरा मौका है। आप मजाक कर रहे हैं ना? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन घर में नौकर वगैरह भी तो होंगे। कोई नहीं, कल शिवरात्रि है और दोनों गांव गए हुए, घर बिल्कुल खाली है। तो ये तो क्राइम है। क्राइम तो है, पैसे कमाने की हर स्कीम जुर्म तो करवाएगी, यही कानून है। सिंपल, ज्वेलरी अभी भी मेरी तिजोरी में है, तुम्हें बस वो ज्वेलरी चुरानी है और बाजार में बेच देनी है, और मैं इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर दूंगा। उसके बाद शीला और तुम, शिखा और मैं, और इस तरह उन्होंने सुखद दाम्पत्य जीवन बिताया। और अच्छी कहानी का एंड ऐसा है। चलो कुछ करके दिखाओ। क्या करूं? कुछ भी, कोई भी ट्रिक जो सर्कस में होता है। मैं कोई एक्टर वैक्टर थोड़े हूं। तो फिर जंगल सर्कस मास्टर का हुक्म है जो आएंगे। अब कुछ काम की बात करें जी। ये रही आप छोड़ दो।